हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं ठाकुर ब्लॉग्स 4। आज हम आपके लिए लेकर आए एक और अनबॉक्सिंग वीडियो। आज हम इस बॉक्स का अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके अंदर है पल्स ऑक्सीमीटर, डॉक्टर ऑल्डिन का पल्स ऑक्सीमीटर। इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे और इसका यूज कैसे होता है ये भी हम इस वीडियो में आपको करके बताएंगे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको नॉलेज मिलती रहे। चलिए चलते हैं और इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये है अपना बॉक्स, इसको बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करने के लिए कटर या सीयर का उपयोग करेंगे। हमारे पास ये कटर है, इससे कट कर लें। ये हमारा बॉक्स कट हो चुका है। और इसके बॉक्स के अंदर है एक छोटा सा बॉक्स, ये डॉक्टर ऑर्डिन कंपनी का है पल्स ऑक्सीमीटर। और इसके अंदर है दो सेल, रिमोट सेल इसके अंदर डालने के लिए। और इसके अंदर क्या है, ये है इसका बिल। बिल का कोई यूज नहीं है, इसको अब हटाते हैं साइड से। ये अपना साइड्स हो गया। अब अपना आता है मेन दो चीज़ें। अब आप देख रहे होंगे डॉक्टर ऑर्डिन पल्स ऑक्सीमीटर प्लस PI, ठीक है ना, ये इसका नाम। ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। वाह, इस बॉक्स के अंदर है मैनुअल गाइड, इसको बोलते हैं यूजर मैनुअल बुक्स। ये अपने पास एक डोरी है, इसका क्या यूज है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। ये फाइनली ये है अपना पल्स ऑक्सीमीटर। आप देख रहे होंगे पल्स ऑक्सीमीटर, इसके डिजाइन देखिए, लुक देखिए कैसा है। काफ़ी अच्छी है। और इसके अंदर कुछ नहीं है, इसको रखते हैं साइड से। साइड में अपने मुझे रख दिया है। अब देखेंगे ये अपना चालू होता है कि नहीं है। इसमें देखेंगे सेल डालेंगे सबसे पहले। ये दो सेल दिए हुए हैं, इनको डालेंगे फिर इसको ऑन करेंगे। सेल इसको थोड़ा दबा के रखेंगे और थोड़ा अपन ने इसमें सेल डाल दिए और सेल डाल के रेडी हैं। इसका भी ऑन करते हैं। देखो ऑक्स ऑन हो चुका है और इसमें लिख के आ रहा है फिंगर आउट। अब इसमें अपन कैसे इसको यूज कैसे करना है, वेरी सिंपल, इसमें कुछ खास है नहीं है। यूज करने के लिए अपनी कौन सी भी चार उंगली में से कौन सी भी उंगली इसमें लगा सकते हैं। इसके अंदर मैं फर्स्ट वाली उंगली लेता हूँ और इसको थोड़ा पुश करता हूँ, ये ऊपर उठ जाती है और इसको अंदर रख देते हैं। रखने के बाद इसको ऑन कर देंगे। देखो अपना रेड होना चालू हो चुका है। देखो आ गई ना 99
पल्स SpO2 और PR माने रेस्पिरेशन रेट और BMH एक ही चीज़ है 80, ठीक है ना। बड़ी सिंपल है, इसको हटाएंगे, बंद करेंगे, बंद ऑटोमेटिक तो बंद होता है, तो थोड़ी देर छोड़ देंगे और ये अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये बंद हो गया, ठीक है ना। अब इसको ऑन कैसे करना है, दबाना है आपको, ठीक है। ये पल्स ऑक्सीमीटर ऑन हो गया। अब इसमें लिखा है फिंगर आउट, अपनी इसमें फिंगर रखेंगे और जी देखिए प्लीज़ ये रीड होना चालू हो चुका है। देखो 99 अपना सेचुरेशन आ चुका है SpO2 और रेस्पिरेशन रेट आ गई है 79 PR। ओके, अपना इस प्रकार से आप घर पे ही अपना ऑक्सीजन लेवल बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे क्या है, अपनी कंडीशन पता लगती रहती है कि अपना ऑक्सीजन लेवल डाउन तो नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल सही चल रहा है। अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है उसकी स्थिति में आप उनको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ेगा, ठीक है ना। कभी कभी किस इमरजेंसी में पता नहीं लगता, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है और कंडीशन पता नहीं लगती है, कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। जब ऑक्सीजन हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तब पता लगता है कि ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया है, ठीक है ना। इससे ये फ़ायदा है कि अपन घर पे ही इस अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे, ठीक है ना, और रेगुलरली चेक करते रहेंगे, तो जिससे कि पता लगता रहता है कि हमारा सेचुरेशन ऑक्सीजन लेवल कैसा चल रहा है, ठीक है ना। हेलो दोस्तों, उसका यूज कैसे करना है, ठीक है ना। इसका सिंपल है, इसको खोलो, पैकिंग खोल लेते हैं, इसको इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये अपना गले में डालने के लिए है, इसको इसमें अब इसको करंट कैसे करना है, जैसे कि इसको होल दी हुई है इसमें इसको डालेंगे, ठीक है ना। इसमें इस डाल के ये अपनी गली में डाल सकते हैं, जिससे कि ये गिरे ना और टूटे ना। ये सेफ्टी के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको इसमें ज़रूर लगा लें, जिससे कि आपका ये ऑक्सीमीटर काफ़ी टाइम तक सेफ रहेगा, ठीक है ना फ्रेंड। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है ना। चलते मिलते हैं और अगले वीडियो में।